रास्ते चारों अपोलो के टायर डलवा लिए हमने। तो चलिए अब हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए यहाँ से पठानकोट। ये करती मैं नानी जी हमारी एंकलियां बना रहे हैं ये। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं मनमोहन पटेल और आज हम जा रहे हैं गाड़ी में, मैं पाजी और शिवानी और भाभी। हम जा रहे हैं आज थोड़ा सा शॉपिंग करनी है और गाड़ी को टायर डलवाने हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। शिवानी क्यों रो रहे हो? कितना शाबाश, गेट बज गया, गेट लात मारी। मेरे काज टायर इतने होंगे कि इन्हें खिलाओ साइड। हर एक दो या तीन तरह के मॉडल आते हैं, सेकंड मंगाने ही नहीं है, नंबर वन ही मंगा। तो ये टायर चेंज करने लग चुके हैं, अभी ये टायर चेंज करेंगे। और ये हमने इधर अपोलो के टायर मंगवाए हैं, चारों के चारों अपोलो के टायर। इसकी गारंटी वारंटी ज़्यादा है कुछ अदर टायर से, तो ये टायर डलवाएंगे हम। अपोलो के टायर हैं ये, फुल गारंटी। ये मशीन है गाइस टायर खोलने की, रिम से टायर को अलग करने की। ए मशीन ने ऑटोमेटिक ही है वो करना, इन्हें कटना टायर। ओके देखिए कितना कर दे। ये गाइस मशीन को इसके अंदर लगा रहा है। ये बाहर निकलता हुआ है, चलो गाइस। ये देखिए ये फिट भी मशीन के साथ ही कर रहे हैं टायर, कितनी आसानी से फिट हो रहा है। थोड़ा सा उसको दबा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही सेट होता जा रहा है। देखिए गाइस एक मिनट भी नहीं लगा इसको टायर को सेट होने में, चेंज करने में। और अब इसमें हवा भरे, थोड़ा बहुत रह गया, इसमें हवा भरेंगे और अपनी जगह बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाएगा। ये भाई अब हवा भरने लगे, देखिए पूरा सेट हो रहा है।
तो गाइज अपने चारों टायर डल के गाड़ी हो चुकी है तैयार, बाहर निकाल दिए हमने गैरेज से, चारों अपोलो के टायर डलवा लिए हमने। तो चलिए अब हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए यहाँ से पठानकोट। ये हमने डलवाए हैं टायर अपोलो के टायर, अपोलो का शोरूम है यहाँ पे डमटाल में, अपोलो शोरूम है ये डमटाल में। तो यहाँ पे हमने डलवाए हैं टायर, तो अभी यहाँ से हम जाएंगे पेमेंट करेंगे और जाएंगे फिर पठानकोट, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, वो भी दिखाता हूँ आपको। करती पेमेंट कितने बने? 13,300। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं पठानकोट बाजार में, तो गाइस हम आ चुके हैं अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे। रॉकी ट्रेडर करके, ये रॉकी ट्रेडर की शॉप है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट वाला हमें मिल गया, तो यहाँ पे लगे अभी अलाइनमेंट करने, तो 10-15 मिनट लगेंगे कह रहे अलाइनमेंट करने को, सेटिंग लग रहे हैं करने के लिए। मशीन जो है वो रेडी कर रहे हैं अलाइनमेंट वाली, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ होता है कंप्यूटराइज। अगले टायर आते हैं, पिछले तो खचोना ही है। थोड़ा ही फर्क है, 0-0 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे शॉपिंग, और ये इधर मैड में शॉपिंग कर रहे हैं भाभी और शिवानी, यहाँ से शॉपिंग उसके बाद सीधा जाएंगे घर। ये बैग वगैरह देखने लगे हैं मेरे को लग रहा है। बैग लाने शिवानी, शॉपिंग करके फ्री हो चुके हैं, शॉपिंग करके निकल रहे हैं आप बाहर के लिए। मॉल में घुसे थे, शॉपिंग कुछ भी नहीं करी वैसे तो, थोड़ा बहुत बच्चों के कपड़े लिए और कुछ नहीं लिया ज़्यादा। तो भाभी और भाई ने लिया थोड़ा बहुत और हमने तो कुछ भी नहीं लिया। तो गाइज हम यहाँ पे स्वीट कॉर्न खाने लगे हैं, और यहाँ सामने यही दिखा मेरे को, तो शिवानी बोल रही है स्वीट कॉर्न लेने, तो हम ये ले रहे हैं और यहाँ से जाएंगे नान खाने के लिए। फिर चलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से स्वीट कॉर्न खा के, फिर चलते हैं नान खाने के लिए, फिर जाएंगे घर। भाजी ने ऑर्डर कर दिया है 4 प्लेटों का, तो अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी प्लेटें।
चार प्लेट है दो जी आ चुके हैं हमारे नान खाओ खाओ पाजी ने हरी मिर्च वाला नान ऑर्डर किया था तो हरी स्पेशल नान है ये हरी मिर्च वाला ये हरी मिर्च वाला नान है इसके साथ ये है चटनी नान चटनी तो गाइज आज हमें इनविटेशन आया है नाना जी के घर से तो उन्होंने बुलाया खाने पीने का कुछ प्रोग्राम रखा है तो अभी हम जा रहे हैं पापा और सूर्यांश नहीं जा रहे बाकी सब जा रहे हैं नाना जी के घर में तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी नानी जी मिलाते हैं नानी जी से अपनी से ये तैयारी कर रहे हैं निकल रहे हैं गाड़ी निकाल रहे हैं पाजी बार अपने भी दिए वगैरह जला दिए हमने और अभी पाजी गाड़ी निकाल रहे हैं तो अभी निकलेंगे मामूजी के घर में तो मिलते हैं सीधे मामूजी के घर में छोटे ठाकुर जी लाई है ओ और बिच्छे नहीं सुन दिते बाबूजी आजू इस पर आना हमारी नानी नानी जी हमारी एंकलियां बना रहे हैं ये पहाड़ी खा रहे हैं पानी खा और यहाँ पे हम खा रहे हैं एंकलियां मेरे को भी दे जाओ बीच में ये होती है एंकली चावल के आटे से बनती है ये एंकली इसको आटे को पिसाते हैं पहले चावल को फिर उसके बाद इसको मिलाया जाता है दिखाओ उधर जो मिलाया हुआ है पानी में घोला जाता है दूध के फिर इसको दूध के साथ खाया जाता है फिर ये जो दूध का ना खांदे कि वो भी पांदे विच चीनी कि वो पांदे असली में जता ही अंदर खाना था अच्छा टीवी चांदा होना कृष्णा इस वेले अच्छा साहब पहले वाली रामायण ही है रामानंद सागर वाली अच्छा श्री कृष्ण भी है आंदा है ना रामानंद सागर दा ही बदलू में बीच बदली तू है से विष्णु पतामम बदली अच्छा और रो ना मेरी ए ए यार अर्जुन होई है कृष्ण तो अरुण वही चंगा लगता है अरुण वो नीतीश भर पता नहीं पेशते ही रामानंद सागर वाला ही मामी जी दानशी आपने खानी है अंकली मेरे को गर्म गर्म जी अंकली खाओगे आप अंकली खाओगे ये खाओगे अंकली होती है ये अंकली होती है ये पीछे देखो ही नहीं पीछे हो जाना कने मामी जी ये तो ध्यान रखे नहीं पीछे हो जाना कने दादू बैठे हैं पीछे दादू खाना खा रहे हैं पीछे ऐसे बैठो इधर यहाँ बैठो यहाँ कहाँ बैठोगे गब्बे जी तो घूम मजा है तुझे बैठे होने हाँ बड़े पापा साथ खा लो फिर ठीक है